सीधी बात में आज हम बातचीत कर रहे हैं रवि किशन जी से। आपने कहा रसिया, गौतम ने रोमांटिक, तो मैं नाम उम्र नहीं बताऊंगा लोगों को, नहीं तो फिर कोई हीरोइन नहीं काम करेगी नहीं, अभी बहुत साढ़े सोलह का हूं मैं, आपके हीरोइन के लिए साढ़े या तो शाहरुख खान जैसे, सोलह आमिर खान जैसे हो जाए आपकी इमेज, वो अपने से आधी उम्र की लड़की के साथ हीरोइन बनाते हैं अपनी, का जितनी उनकी उम्र है उससे आधी रखते हैं जी हमेशा, ताकि जी उसको काम नहीं मिले वही अपने करते रहे, पर आपकी वो स्थिति नहीं है, भोजपुरी में वही है भोजपुरी वही है, आप जी, भी 18 साल की सब लड़की अठारह होती, साल की लड़कियां हमारे साथ 16, 18 के 20 के अंदर ही काम करती ये है। शोषण क्यों करते हैं आप उनके बच्चों के नाम के? अपने आप ओहो मेरे को आपका मैसेज भी समझ नहीं आ रहा। अब टीवी पे क्या दिखाते हैं, शो दिखाते हैं, पिछले जन्म की कहानियां राज दिखाते हैं, पिछले जन्म का उसमें इसका उसमें अंधविश्वास भी है नहीं, और क्या। अरे भाई पुराण अगर आप पढ़ेंगे तो पुराण में गीता में कहा गया है कि आपका एक जन्म नहीं, आप जन्म लेते हैं, आप वो अगर प्रभु जी फिलॉसफी है नहीं, लेकिन आप वो ये प्रभु नहीं जी कहते, आज जो आपके पास इतना बड़ा ब्रेन है प्रभु जी, आपको इतना अगर हिंदुस्तान विश्व सुनता है ध्यान से, बड़े बड़े लोग सुनते हैं आपको, तो इसके पीछे बहुत सारा पीछे का एक बहुत मैंने हिसाब पिछले है। जन्म का कोई पाप कर रखे नहीं मैंने नहीं क्या? नहीं नहीं हाँ हिसाब किताब बड़ा अच्छा है, विद्वान का एक हिसाब किताब है, वही चला आ रहा कई बार ऐसा लगता है ना, आप भी उसमें पढ़ के कमर्शियल इंटरेस्ट में, कि कोई रोल मिल जाए, कोई काम मिल जाए, पैसे नहीं मिलने चाहिए नहीं बस, नहीं नहीं देखिए प्रभु जी, मैंने पैसे कभी नहीं कमाए, नहीं तो मैं भोजपुरी नहीं शुरू करता, जो कि भाषा ही वोट नहीं। भी तो भगा दिए गए बॉम्बे से आप, इसलिए भोजपुरी नहीं शुरू नहीं की। प्रभु जी भगाए नहीं गए, हम तो यहाँ पे टीवी पे बढ़िया कर रहे थे। मेरी माँ ने एक बार कहा था कि इस भाषा को सम्मान दिलाओ, अपने गांव वालों को सम्मान दिलाओ, और उस भाषा को सम्मान दिलाने के लिए इस भाषा से मुझे प्रेम था, और मैं फिर ये भाषा के लिए लड़ाई लड़ने लगा, और ये भाषा को लड़ाई लड़ते लड़ते यहां तक तो पहुंचा। ठीक है, वापस आ गए थे भोजपुरी से हिंदी में, हिंदी से तेलुगु में, तमिल में गए, अब अंग्रेजी फिल्मों में घुस रहे हैं आप, वहां आप नंगे दौड़ेंगे सुना है मैं, हर हर महादेव, क्यों नहीं हर हर महादेव। बनारस बनारस के नंगे पर आपको घुस, और नागा बन मतलब रहे ये हैं। भी नंगा जब घूमेंगे इसके पीछे पैसा होगा नहीं ना, नहीं नहीं आप ये पैसा सब काम जो है पैसा बहुरूपिये बन रहे हैं, ये प्रसिद्धि के लिए या पैसे के लिए? देखिए प्रभु जी, जब पैसा नहीं था, एक ब्राह्मण का लड़का, पैसा नहीं था, ब्राह्मण तब का भी बहुत दाल रोट बहुत दान मिलता है दाल ब्राह्मणों को, दाल दाल तो रोटी तब भी खाते थे, आज पैसा अपरंपार आ गया तब भी दाल रोटी खाते हैं, खाते रहता दाल वही रोटी खाते नहीं, पैसा। नहीं जी जी दाल रोटी, कुछ और खाते हैं, वेजिटेरियन, शुद्ध नहीं दाल वेजिटेरियन, के साथ हर हर कुछ नहीं बाबा, पनीर कैमरे को खाता हूं, ये काले कैमरे से मुझे बड़ा प्रेम है, मेरा बनाते 24 घंटा जीवन ही सिनेमा, काम नहीं करूंगा तो मेरी मृत्यु हो जाएगी, ये बात तो सत्य। जो अगर कैमरा मैं सामने नहीं होता शीशी के सामने खड़े हो हाँ जाते जी हैं, एक शीशे ये वो बहुत शीशे के सर सामने खड़े हो जाते हैं जी, आप। बाथरूम में कई देर फिर निकलता नहीं, कई देर हाँ बाथरूम में रहता हूँ, और पत्नी चिल्लाते रहती है कि कब निकलोगे, बाथरूम में चले गए तो एक आध फिर मैं पत्नी बच्चे बाथरूम में जाता था, पत्नी से डर के भाग जाते हैं बेटा। आप कांग्रेस के वर्कर प्रचार वचार करते रहते हैं, वहां क्या मिलना है आपको? आइडियोलॉजी बचपन से स्कूल में थे तो मेरे रेडियो पे राजीव गांधी को एक बार सुने थे, कंप्यूटर की बातें, मारुति की बातें, हिंदुस्तान की तरक्की की बातें, हिंदुस्तान बड़े तकलीफ से गुजर रहा था, और उनके शब्द फिर सत्य होते हुए जैसे जैसे बढ़ते लगा सत्य दिखाई दिए, तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी पापा भी मानते थे, 47 से हिंदुस्तान चला रहे हैं, तो मुझे लगा तरक्की, और मैंने हिंदुस्तान को बढ़ते हुए देखा, मैंने बोला मतलब क्यों आप नहीं। राजीव गांधी के बाद थे ना, कांग्रेस के बाद में बने और आप, उसके बाद इंदिरा जी भी, लेकिन राजीव जी की आवाज, उनका चेहरा एक वो राम, भगवान राम की तरह, और वो मुझे लगा पॉलिटिक्स में आना नहीं प्रभु जी, चुनाव में यूपी के चुनाव में हमेशा रहता हूं, मैं प्रमोट करता हूं कांग्रेस को, पिछले चुनाव में काफी एमपीज आए, दौड़ा काफी, 1.5 महीना दौड़ा हेलीकॉप्टर में, और इस बार भी मेहनत किया, अब इस इलेक्शन में भी मेहनत करूंगा, स्वार्थ निस्वार्थ, स्वार्थ कोई नहीं, चाहिए नहीं टिकट, टिकट ऑफर हूं कई बार, लड़ना नहीं है। उसका असर ना आपकी फिल्म करियर पे नहीं पड़ेगा कि ये कांग्रेस का नेता है, ये हमारी फिल्मों में जब लोगों को पता लगेगा ये कांग्रेस ही है तो क्रेडिबिलिटी का सवाल हो जाता है ना कई बार, कि हम कांग्रेस ही को देख रहे हैं या रवि किशन को देख नहीं रहे हैं। लेकिन उनको पता है कि इसको नेता नहीं बनना, सबको पता है, सारे फैंस को पता है, अखबारों में अक्सर छपता है कि मुझे टिकट नहीं चाहिए, मुझे हाथ जोड़ के नहीं घूमना गली गली, और मुझे किसी पॉकेट में वो नहीं है कि भाई एक ही जगह पड़े रहे, घूमते रहना, भ्रमण पर रहना मुझे। नहीं, जब फिल्मों से ऊब जाएंगे आप तो उसके बाद वहीं जाएंगे ना, उसके बाद रंगमंच गांव में जमीन खरीद रहा हूं काफी, और अब वहां कौन से पे गांव के हैं आप? रहूंगा, जौनपुर जौनपुर, खेरा जौनपुर में सारे गली ब्राह्मण ही हैं मेरे ख्याल से, वो इलाका जो ब्राह्मणों का इलाका है। वहां पे मैं रंगमंच खोलूंगा गरीबों के लिए, आदिवासियों के लिए, छोटी जात के लिए, जो मेरी तरह लड़के जिनकी किसी ने मदद नहीं, और उनको ट्रेन करूंगा, और जब बहुत दुर्दशा रहेगी उस वक्त, अगर कोई सरकार खराब रहेगी तब मैं चुनाव में आऊंगा, जब मेरे लोगों को जरूरत पड़ेगी कि भैया आप आ जाइए, हम लोग की यहाँ हालत खराब मायावती को है। खतरा आपसे होगा ऐसा? नहीं, उनसे हाँ मायावती जी को खतरा नहीं होगा,
नहीं, हम से, नहीं, हम आप से डर गए उनके नाम से ही डर नहीं, हमको गए। हमको डरना नहीं है। देखिए, हमको, मैं यूपी का हूँ, मुझे बिहार रत्न मिलता, मुझे यूपी में कोई सम्मान नहीं मिलता, वो भी एक अलग पीड़ा है। मैं यूपी में जन्म है, मुझे बिहार रत्न, मतलब बिहार सरकार, मैं नीतीश यूपी में कांग्रेस में एक ही आदमी को जी सम्मान मिलता है, एक ही परिवार को, उसमें बाकी परिवार किसी को नहीं मिलता। तो आपको मान के चलना पड़ेगा, या तो मायावती परिवार या गांधी परिवार। अगर आपने गांधी परिवार से कंपटीशन करना है तो यूपी में रहिए। नहीं, सम्मान इन द सेंस कि भाई पूर्वांचल का लड़का है, और हाँ, अमर सिंह जी आए थे पूर्वांचल में तो अच्छा, अरे भगवान, नहीं मामी तिवारी है उनके साथ, एक हिंदू ब्राह्मण है। नहीं तो आपका वो भी फिल्म स्टार है, सो कॉल्ड, थोड़ा सा है, काम वाम करता है। तो मुझे आपको कहाँ, किसके साथ टक्कर लेनी पॉलिटिकल? अच्छा, पॉलिटिक्स किसी के साथ, मुझे पॉलिटिक्स में कांग्रेस, अगर आइडियोलॉजी कांग्रेस को माना तो एक ही, एक का हाथ पकड़ा तो एक ही के साथ रहेंगे, कांग्रेस को मान रहे हैं तो कांग्रेस को ही लाएंगे वहां पे, पूरी कोशिश करेंगे कि कांग्रेस आए।